उन्नाव में आज समस्त आशा बहुओं द्वारा 20 फरवरी से जारी अपने कलमबंद हड़ताल के संदर्भ में अपने मानदेय एवं सुख सुविधाओं से संबंधित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अपना ज्ञापन उन्नाव कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को देकर अपनी मांगे पूरी ना होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया। आपको बताते चलें कि पूरा मामला उन्नाव जिले की समस्त आशा बहुओं के मानदेय एवं सुख सुविधाओं से संबंधित है, जिसमें जिले की समस्त आशा बहुओं द्वारा विगत 20 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल की शुरुआत की गई थी, जिस पर अभी तक कोई निर्णय ना मिलने पर आज पूरे उन्नाव जनपद की सभी ब्लॉक की आशा बहुओं द्वारा अपने मानदेय एवं सुख सुविधाओं से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अपना ज्ञापन उन्नाव कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को दिया एवं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इस हड़ताल को जारी रखते हुए अपनी सभी कार्यों को करने से साफ इनकार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया। सर, आज जो महिलाएं आशा कार्यकर्ती आई थी, क्या मामला था उनका और क्या आपसे उनको आश्वासन मिला है? उनकी ये प्रदेशव्यापी एक जो है स्ट्राइक चल रही है, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, उनकी कुछ मांगे हैं जिन मांगों का संबंध जो है प्रदेश स्तर से है, उसमें उनकी मानदेय बढ़ाने वाली इस तरह की सेवा सुविधाओं के संबंध में मांगे हैं, जिनको ज्ञापन लिया गया है और उस ज्ञापन को जो है संबंधित विभाग को पहुँचा दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।